नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज NHM कर्नाटका द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विस डिपार्टमेंट के तहत 552 खाली पोस्टों पर यह भर्ती आई है। इसमें जो पोस्ट नेम दिया गया है वो नर्स मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपकी ये जॉब रहेगी। नेशनल हेल्थ मिशन कर्नाटका द्वारा भर्ती आई है ये। तो इसमें आपकी जो खाली पोस्टों की संख्या है वो 552 खाली पोस्टों पर ये भर्ती है। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो BSc नर्सिंग। और इसमें जो आपकी एज लिमिट के बारे में दिया है, जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 35 साल और SC ST कैंडिडेट के लिए 40 साल एज रखी गई है और एक्स सर्विसमैन के लिए 38 साल इसमें एज रहेगी। उसके बाद जो मंथली जो सैलरी इसमें रहने वाली है आपकी वो 24,200 रुपये से आपकी सैलरी रहेगी और इसमें साथ में जो अलाउंस वगैरह आपके होंगे वो इसके साथ होंगे। और इसमें जो आपकी ऑनलाइन सिस्टम जो फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट रहेगी वो 18/11/2019 और लास्ट डेट इसमें जो रहने वाली है वो 10/12/2019 शाम 5 बजे तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिटर्न टेस्ट और रिजल्ट डिक्लेरेशन की जो डेट दी गई है वो 21/12/2019 और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन के लिए 26/12/2019 इसमें डेट रखी गई है। 26/12 को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और इसमें ज़्यादा डिटेल के लिए इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट दी है www.karnataka.gov.in HFW पेजेज होम .aspx इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप अपनी जो भी जानकारी है यहाँ से ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।